हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू फूड फॉर शॉर्ट स्टूडियोज। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे पास कितनी क्या क्या लाइट्स हैं, मैं कौन सी लाइट कब यूज करती हूँ, कैसे यूज करती हूँ, सबके रिव्यूज बताऊंगी, कौन सी लाइट अच्छी है, कौन सी उतनी ग्रेट नहीं है, सबके प्राइसेस क्या है, किसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए, एंड अ लॉट मोर। सो इफ दैट इंटरेस्ट यू, कीप वॉचिंग। ऑल्सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट, please 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 go subscribe to our channel and click the bell icon so that you get notified whenever we post a video. तो शुरुआत करते हैं हमारी first light से। ये मैंने सबसे पहले ये light खरीदी थी and I think that has been the best purchase for me. मैं इसको बहुत ही ज्यादा यूज करती हूँ और regularly key light की तरह यूज करती हूँ मैं उसे, and that is Godox FV200. So as you can see, as good looking as it is, इसका बिल्ट इन क्वालिटी बहुत अच्छा है। इट्स वेरी स्टर्डी, एल्यूमिनियम एलॉय से बना हुआ है ये, और इफ यू कैन सी इसमें फैन है, तो ये फैन लाइट को ठंडा रखने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से आप ज्यादा देर तक इससे शूट कर सकते हैं, ज्यादा गर्म नहीं होती है। तो अब फीचर्स पे आते हैं। ये सिर्फ एक कंटिन्यूस लाइट नहीं है, दिस इज अ हाइब्रिड लाइट। हाइब्रिड लाइट का मतलब ये होता है कि ये एज अ फ्लैश लाइट और एक कंटिन्यूस लाइट दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। सो अगर आप एक फोटोग्राफर हो या एक आप वीडियोग्राफर हो, तो ये दोनों के लिए बहुत वर्सेटाइल है। इस लाइट का एक्यूरेसी बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसका जो लाइट क्वालिटी आता है वो बहुत नेचुरल लगता है, जिसकी वजह से आपके वीडियोस बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं। तो ये लाइट जब मैंने खरीदी थी, आई थिंक आई गॉट इट फॉर 33-34 थाउजेंड, विच इज अ बिट एक्सपेंसिव, लेकिन लाइक आई सेड, मैं फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर दोनों हूँ, तो ये मेरे लिए दोनों की तरह काम आने वाली थी, इसलिए आई हैड टू स्पेंड अ लिटल। और जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैं इसे बहुत ज्यादा यूज किया है मैंने, सो इट वॉज वेरी वर्सेटाइल फॉर मी। लेकिन आई थिंक अभी इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन बस मुझे एक ही ड्रॉबैक लगता है इसमें कि इट्स नॉट अ ड्यूअल लाइट, आई मीन इसमें बाई कलर नहीं है, दिस इज अ फिक्स टेम्परेचर ऑफ 5600 केल्विन, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर मैं इतना स्पेंड कर रही हूँ तो यू नो आई शुड एटलीस्ट गो फॉर अ बाई कलर लाइट, जो मैंने तब सोचा नहीं था, आई डोंट नो व्हाट वाज आई थिंकिंग, बट आई एनीवे गॉट इट क्योंकि इट वाज सर्विंग माय पर्पस। लेकिन अब मैं जब फुल टाइम वीडियोस लेती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये अगर बाई कलर होती तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होता, लेकिन अगर इफ इट इज सर्विंग द पर्पस फॉर यू लाइक इट डिड फॉर मी बैक देन, आई थिंक यू शुड गो फॉर इट, इट्स एन अमेजिंग लाइट। तो इसमें एक और फीचर है बिल्ट इन लाइटिंग इफेक्ट्स का, इफ यू कैन सी हियर, इससे आप अलग अलग स्पेशल इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, लाइटनिंग इफेक्ट या पापराजी इफेक्ट या टीवी का रिफ्लेक्शन जो होता है उसका इफेक्ट। सो ये सारे स्पेशल इफेक्ट्स अगर आप कोई इंडिपेंडेंट मूवी बना रहे हैं तो आपको ये सब काम आ सकते हैं, एंड आई थिंक दैट इज रियली हेल्पफुल। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट लाइट, हमारी दूसरी लाइट है Godox SL100D, वेयर डी स्टैंड्स फॉर डे लाइट, 5600 केल्विन। इसका बिल्ट इन क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, ये बहुत ही ज्यादा छोटी सी है, बहुत कॉम्पैक्ट है और बहुत लाइट वेट है, तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं शूट्स के लिए तो ये कैरी करने के लिए बहुत आसान है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लाइट भी बहुत स्ट्रांग है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है क्योंकि ये हाई क्वालिटी एल्यूमिनियम से बना हुआ है। सो दिस इज एन LED कंटिन्यूस लाइट, तो अगर आप एक बिगिनर हो या अगर आप लाइटिंग अभी सीख रहे हो, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड लाइट फॉर यू, क्योंकि आप इससे लाइटिंग को कंट्रोल इजीली कर सकते हो। और इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये आवाज बहुत ज्यादा करता है, इसमें बिल्ट इन फैन नहीं है जैसे कि हमारे FV200 में था, तो उस वजह से ये लाइट बहुत ही ज्यादा आवाज करता है और बहुत ही ज्यादा जल्दी हीट हो जाता है, जिसकी वजह से आप इसे लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। और अगर आप एक फिल्म मेकर हो या अगर आपके लिए साउंड रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द लाइन ऑफ वर्क दैट यू आर इन, तो वो आपके लिए भी एक ड्रॉबैक हो सकता है क्योंकि इसकी आवाज बहुत ही ज्यादा है, तो इट डज नॉट वर्क इन ऑल द कंडीशंस। सो अपार्ट फ्रॉम द फीचर्स आई ऑलरेडी मेंशनड, इसमें स्पेशल इफेक्ट्स वाला भी फीचर है जो हमने हमारे FV200 में मैंने अभी आपको बताया। उसके अलावा इसमें एक एडिशनल फीचर ये है कि इसमें ब्लूटूथ है बिल्ट इन, तो आप अपने स्मार्टफोन से इसे कनेक्ट कर सकते हैं और इसको आपका फोन आप एज अ रिमोट यूज कर सकते हैं और लाइट को कम्प्लीटली फोन के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट लाइट, हमारी अगली लाइट है Digitec DCL150। 5600 केल्विन कलर टेम्परेचर है इसका मतलब ये होता है कि ये
इस जो ये कलर टेम्परेचर देती है वो दैट इज व्हाइट इन कलर, तो आप इसको इंडोर या आउटडोर यूज कर सकते हैं. क्वालिटी देखा जाए तो इट्स नॉट दैट ग्रेट, आई थिंक इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, आई एम नॉट श्योर. इसका लाइट क्वालिटी उतना ग्रेट नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं है, बहुत मॉडरेट है. तो अगर आपको पॉकेट फ्रेंडली लाइट चाहिए तो उस हिसाब से ये लाइट बहुत अच्छी है. बट इफ यू कंपेयर इट विथ SL100, SL100 में आवाज बहुत आती है, लाइक आई ऑलरेडी सेड उसमें उसका फैन का आवाज बहुत करता है, बट दिस डज नॉट हैव एनी साउंड, बिल्कुल आवाज नहीं आती इसमें से. तो ये बहुत छोटी और लाइट वेट है तो आप इसे ट्रैवल में यूज कर सकते हैं बहुत कन्वीनियंटली, सो आई थिंक दैट वर्क्स बेस्ट. ऑल्सो लाइक आई सेड इसका फैन का बिल्कुल आवाज नहीं है, सो दैट्स अनदर गुड पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट फॉर इट. इसका प्राइस रेंज लाइक आई सेड इज 8500 जो 150 वॉट्स का है, एंड इफ यू कंपेयर इट विद गोडॉक्स 100 उसका प्राइस इज अराउंड 16-17,000, सो ऑलमोस्ट डबल है. तो उस हिसाब से पावर ये ज्यादा देती है, सो आई थिंक दैट्स अ थम्स अप. तो चलते हैं अब हमारी अगली लाइट पे. हमारी अगली लाइट है डिजिटेक DCL 250, जिसके बारे में मैं आपको बताने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इट्स अ सरप्राइज लाइट फॉर मी, क्योंकि इट्स अ बाई कलर लाइट और मैंने ये ली थी 17,000 में शायद, एंड इसका रिजल्ट इतना अच्छा आता है कि मैं इसको बहुत ही ज्यादा यूज करती हूँ. आफ्टर माई FE 200 दिस इज द नेक्स्ट लाइट जिसको मैं बहुत ज्यादा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करती हूँ जिसके साथ. सो बाई कलर लाइट का मतलब ये होता है कि 3200 केल्विन से 5600 केल्विन के बीच में इसका कलर टेम्परेचर होता है, जो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट आपके शूट सिनेरियो के हिसाब से. 3200 केल्विन का मतलब ये होता है कि वो येलो वार्म लाइट भी देती है और 5600 जो कि व्हाइट होता है व्हाइट लाइट भी देती है. सो आप इंडोर या आउटडोर में आप इसे यूज कर सकते हैं. और इसमें बिल्ट इन फैन भी है जिसकी वजह से ये ज्यादा देर तक आप इसे इसके साथ शूट कर सकते हैं और ये ज्यादा जल्दी गर्म नहीं होती है, तो दैट्स अनदर प्लस पॉइंट. अपार्ट फ्रॉम दैट इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, इट्स मेड ऑफ मेटल एंड आई थिंक इट्स अ वेरी यूजफुल एंड वेरी वर्सटाइल लाइट. पर्सनली फॉर मी आई लव दिस लाइट और मुझे लगा नहीं था कि ये इतना ज्यादा अच्छा क्वालिटी देगा, क्योंकि मेरे पास जो दूसरा डिजिटेक के लाइट्स है वो उतना ग्रेट क्वालिटी नहीं देते हैं, लाइट क्वालिटी आई एम सेइंग, बट दिस लाइट इन कंपेरिजन टू दोज लाइट्स इज रियली ग्रेट. सो एज अ नेम सजेस्ट DCL 250 या 250 वॉट्स का लाइट है, विच इज वेरी पावरफुल. लेकिन अगर आप इसे गोडॉक्स FE 200 से कंपेयर करें जो हमने फर्स्ट देखी थी, ये उसके कंपेरिजन में बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है, उतना कूल नहीं रहता है जितना गोडॉक्स का लाइट रहता है, लेकिन ये उसका प्राइस रेंज का आधा है. गोडॉक्स FE 200 इज फॉर 36,000 आई थिंक, एंड दिस लाइट इज फॉर 17,000 विच इज ऑलमोस्ट हाफ. तो दैट थिंग इज रियली गुड एंड आई थिंक वी कैन लिव विद इट. So our next and the final light is the cutest, tiniest, but the most versatile light that you can have in your lighting kit is Ulanzi. Ulanzi VL120. As you can see, it is so small and it actually fits into your pocket and you can carry it everywhere you go. Even if you're using your phone or during your product shoots, agar aap kuch bhi koi bhi type of product shoot kar rahe hain ya food shoot kar rahe hain, koi bhi choti choti cheeze use karte hain ya aap apna portraits bhi shoot karte hain, to ye light bahut hi zyada handy hai. जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही छोटी सी और बहुत स्लीक लाइट है. इसका क्वालिटी भी इट्स मॉडरेट, बहुत बुरा नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है. इसमें अलग अलग टाइप के स्पेशल इफेक्ट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं एक हल्का सा फिल देने के लिए. ये बैटरी से चलता है और एक बार आप इसे फुल चार्ज कर ले तो ये आराम से 2 घंटे तक चल जाता है. दैट्स व्हाट दे क्लेम, पर ये 2 घंटा चलता नहीं है. आप इसे चार्ज करो तो ये हार्डली 45 मिनट्स में ये इसका बैटरी खत्म हो जाता है. तो आपको इसे बहुत फ्रीक्वेंटली इसे चार्ज करते रहना पड़ेगा. दिस वॉज फॉर अराउंड 3500 आई थिंक 3200 शायद मैंने ये अमेजोन से लिया था. इट कम्स वेरी हैंडी और बहुत ही ज्यादा काम में आता है, सो यू शुड डेफिनेटली बाय दिस वन. तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इक्विपमेंट्स पे, अभी नहीं, इन द नेक्स्ट वीडियो. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. ये थी हमारी सारी लाइट्स और आई होप यू गाइस गॉट टू लर्न समथिंग. इफ देयर इज एनी डाउट यू हैव प्लीज पुट इन द कमेंट्स बिलो, आई विल रिप्लाई टू यू. एंड अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप वो भी नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू डू दैट एज वेल. एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय.